नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। अब हम बात करेंगे 9 सितंबर 2020 के उपाय की। बुधवार का दिन है, 9 सितंबर 2020 को बुधवार का दिन है, तो बुधवार का उपाय आपको बताऊंगा और साथ में हम जानेंगे यदि आपको लगातार बुखार आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, तो आसान सा टोटका जिससे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कैसे अपने आप को स्वस्थ करना है, इसके लिए बहुत आसान सा टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज ये दोनों में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के उपाय की। आज क्योंकि बुधवार का दिन है और पितृपक्ष भी चल रहे हैं, इसलिए मूंगी साबुत दाल और मशरूम कहीं से ले आइए और उनको मिट्टी के बर्तन में डालकर शिव मंदिर में रख दीजिए। किसी के हाथ में नहीं देनी है। यदि ये मुश्किल लगे तो आप मूंगी साबुत दाल, हरे रंग की दाल दान कर सकते हैं किसी धर्म स्थान में, किसी गरीब को, कहीं भी। ये दोनों उपाय भी किए जा सकते हैं, इनमें से एक भी किया जा सकता है जिससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, तेज़ी से धन आएगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, कहीं पैसा फंसा है वो भी निकलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं टोटके की, जो कि मैं एक टोटका प्रतिदिन आपको बताता ही हूँ, कोई ना कोई खास टोटका होता है। तो आज टोटका है कि यदि टेम्परेचर, बुखार है किसी को लगातार, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो क्या किया जाए कि टेम्परेचर ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, व्यक्ति ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, स्वस्थ होकर अपना कार्य करने लगे। चीनी, दूध, चावल और पेठा जिसकी सब्जी बनाई जाती है, ये तीनों चीज़ें अपनी श्रद्धा के अनुसार, चारों चीज़ें अपनी श्रद्धा के अनुसार ले लीजिए और किसी धर्म स्थान में गुरुवार या रविवार चढ़ा दीजिए। देखिए कितनी तेज़ी से आप स्वस्थ होने लगेंगे, कितनी तेज़ी से रास्ते निकलेंगे, सब सही होने लगेगा, दवा काम करने लगेगी। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, ये उपाय बहुत शक्तिशाली है, ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसे कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको और आप तेज़ी से स्वस्थ होकर अपना कार्य कर पाएंगे।